सीरियल दिया और बात ही हमें बाबू और संध्या के रिश्ते अब इतने मजबूत हो गए हैं कि संध्या के किसी भी मुश्किल की घड़ी में बाबू सबसे पहले अपनी बहू के साथ खड़ी हो जाती है। आईपीएस बन चुकी संध्या को न जाने क्या हुआ कि वो अपना आत्मविश्वास खो गई है, लेकिन बाबू ने उसके हिम्मत को बढ़ाने के लिए सही मार्गदर्शन दिया। संध्या को उसके खुद की ताकत को याद दिलाया और बताया कि मुश्किलों को डटकर सामना करना चाहिए। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। ओके गणेश, थोड़ा कंपेयर करना। हाँ। अच्छा बोल। अच्छा बिल्कुल, एक बात बता, तू किस किस कारण लगता है? रोलिंग है बहुत अच्छा। समझे सर? रोलिंग है। ये वो रूप होता है जब बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और उन्हें लगता है कि उनका पर्चा जो है अच्छा नहीं गया, और जब टीचर उन्हें डांट सुनाती है कि तुम फेल हो जाओगे अगर इसी ढंग से प्रश्न का उत्तर देते रहोगे, तो वो एकदम ये सोच लेते हैं कि हम परीक्षा में पास हो ही नहीं पाएंगे। तो जो एक माँ होती है वो उन्हें डांटती है कि दिखाती कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, पिछले तीसरे महीने की जो परीक्षा दी थी वो तो तुमने बहुत अच्छी दी थी, एक आध पर्चा अगर ऐसा हो गया तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए इंसान को। ऐसे ही संध्या के साथ कुछ ऐसे ही पल बीत गए हैं, तो भावो उसे हिम्मत दिला रही है, उसकी वो सारी बातें याद दिला रही है कि तुम यहाँ भी तो खड़ी थी ना, अटल थी, तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी। आज तुम कैसे हिम्मत हार सकती हो? अगर तुम हिम्मत हारोगी तो परिवार तो एकदम ही टूट ही जाएगा ना, क्योंकि हम तो तुझे देख करके परिवार में हिम्मत बनती है कि नहीं, बड़ी बीनी अपनी जगह है तो बाकी की दो बीनियों को हिम्मत आती है। तो भावो को वही चिंता है कि अगर बड़ी बीनी टूट गई तो बाकी दो बीनियों का क्या होगा। इसी चक्कर में भावो उसे बच्चे की तरह डांट कर समझा रही है।